अगली हेडिंग है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हम पीछे थोड़ी सी कहानी को रिपीट कर लें। सन 1804 में परमाणु जो पदार्थ था वो अविभाज था, उससे पहले जिसमें पदार्थ को अणुओं से मिलकर बना माना गया था, इन अणुओं को अविभाज कहा गया। अणु परमाणु से मिलकर बना था, परमाणु अविभाज माना गया, डाल्टन ने कहा, यानी परमाणु को हम छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। लेकिन 1897 में एक कण की खोज की, वो नाम था जे जे टॉमसन। टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो यह स्पष्ट हो गया परमाणु से छोटा भी कण है, यानी परमाणु सबसे सूक्ष्म कण नहीं है, परमाणु को छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। तो जे जे टॉमसन ने बताया परमाणु गोलाकार है, इसकी त्रिज्या 10^-10 मीटर कोटि की होती है, समस्त धनावेश पूरे गोले पर एक समान रूप से फैला होता है, इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न स्थानों पर धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश गोले के धनावेश के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। आयनीकरण की व्याख्या कर दी, ऊष्मीय उत्सर्जन की व्याख्या कर दी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी, लेकिन टॉमसन मॉडल अमान्य हो गया था, कारण अल्फा प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर पाए थे, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। अब चलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके पहले हमने अल्फा प्रकीर्णन भी जाना, तो उसी का हम प्रयोग करते हुए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में ही जो दिया गया उसके बारे में समझे। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया परमाणु गोलाकार होता है, बिल्कुल सही बात है, टॉमसन ने भी यही कहा था कि परमाणु गोलाकार होता है, इस गोले की त्रिज्या 10^-10 मीटर कोटि की होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है 10^ कितनी होती है? 10^-10 मीटर कोटि होती है, गोले की त्रिज्या जो है 10^-10 मीटर कोटि की, यानी एंगस्ट्रॉम कोटि की है। लेकिन धनावेश सब जगह नहीं फैला टॉमसन के अनुसार, वो टॉमसन के इन्होंने कहा कि इसमें जो धन आवेश होता है वो एक स्थान पर केंद्रित होता है, इस स्थान को नाभिक कहते हैं, धनावेश केवल एक ही जगह है, सूक्ष्म भाग में है, इस सूक्ष्म भाग को नाभिक कहा गया, इसकी त्रिज्या 10^-15 मीटर कोटि यानी एक फर्मी के क्या होती है? बराबर होती है। यानी जो परमाणु होता है वो एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है और नाभिक जो होता है वो फर्मी कोटि का होता है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कहा गया परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में तुलना करो तो यह है तुलना इसकी, इसकी तुलना यही तो आएगी, परमाणु 10^-10 मीटर कोटि का है और नाभिक 10^-15 मीटर, इतना अंतर है इनमें। तो कहने का तात्पर्य है कि परमाणु 1,00,000 गुना बड़ा है, क्या 10^5 ऊपर पहुंच जाएगी तो 1,00,000 हो जाएगा? नाभिक 1,00,000 गुना छोटा है, बहुत सूक्ष्म है नाभिक, तो नाभिक 10^-15 मीटर, समस्त धनावेश इस भाग में क्या होता है? केंद्रित होता है, इसी भाग में सभी धनावेश पूरा होता है, रखा होता है और इसके चारों ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ये लगा रहा है इसके चारों, कौन से कण है जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? इन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर, और इन समस्त इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश नाभिक में उपस्थित धन आवेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। क्या कहा पूरी बात फिर से रिपीट करें, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में अल्फा प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है, इसकी त्रिज्या 10^-10 मीटर कोटि की होती है, इसमें धन आवेश एक ही स्थान पर क्या होता है? केंद्रित होता है, इस भाग को हम नाभिक कहते हैं, इसकी त्रिज्या 10^-15 मीटर, यह त्रिज्या किसकी है? परमाणु की, और यह त्रिज्या किसकी है? नाभिक की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का समस्त ऋण आवेश नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। यह मॉडल था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
अगर कहा जाए जे टॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर वगैरह, ये विज्ञान का सबसे स्वर्ण समय था जब मैडम क्यूरी, गोल्डस्टीन नाग वैज्ञानिक थे, यह जितने भी वैज्ञानिक थे फिजिक्स के ज्ञाता होने के साथ साथ केमिस्ट्री के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। सीधी सी बात, विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। स्वर्ण समय कहेंगे हम तो उसको कि जब बहुत सारे परमाणुओं के बारे में संरचना दी गई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब एक तरह से कहा जाए कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो फिजिक्स जानने के साथ साथ केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। इसलिए ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच की स्थिति है। ये तो हुआ रदरफोर्ड का। इससे क्या क्या लाभ हुए वो समझें पहले। इस मॉडल से फायदे क्या हुए, इस मॉडल के अगर हम कहें अचीवमेंट वाली बात करें, क्या क्या प्राप्त किया इस मॉडल ने। सबसे पहले परमाणु प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। किसकी? प्रकाश। इन्होंने कहा अगर इस पर हम प्रकाश डालें तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी किसी पदार्थ पर प्रकाश डालने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जा सकते हैं। दूसरी बात, आयनीकरण की व्याख्या कर दी। आयनीकरण की व्याख्या कर दी। तीसरी बात, उत्सर्जन, ऊष्मीय उत्सर्जन की व्याख्या की। चौथी बात, अल्फा प्रकीर्णन की व्याख्या कर दी। चार बातें इन्होंने कर दी। फिर भी यह मॉडल अमान्य हो गया अमान्यता के कारण। इस मॉडल को भी अमान्य कर दिया गया, उसके कुछ कारण थे, इसे रिजेक्ट किया। उस रिजेक्ट करने के क्या कारण थे उसे समझें। सबसे पहली, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे तो चक्कर लगाते लगाते इनकी ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होगी, जो चक्कर लगा रहा था, तो इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। तो ऊर्जा कम होने पर एक समय ऐसा आएगा यह इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। और हम पीछे पड़ चुके हैं, परमाणु अविनाशी है, परमाणु को विनाश नहीं किया जा सकता। फिर वो तत्व गलत होगा, या तो फिर अगर ऐसा हो रहा होता, मान लीजिए यह बोर्ड है, इसके भी परमाणुओं से मिलके बना है, यहाँ के परमाणु नष्ट हो जाते तो जो बोर्ड यहाँ से गायब हो जाता। इसे आज रखे रहो, 20 साल बाद भी देखोगे यह बोर्ड इतना ही बड़ा होगा, इतने ही परमाणु होंगे। यानी यह मॉडल जो था, यह मॉडल सबसे पहले परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा। परमाणु का स्थायित्व इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, चक्कर लगाए तो ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऊर्जा की हानि हो रही है तो इनकी कक्षा की त्रिज्या छोटी होती जानी चाहिए। जब कक्षा की त्रिज्या छोटी होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा यह किस में गिर जाएगा, नाभिक में टकराना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। और जब ये नाभिक से टकराएगा उसी समय क्या हो जाएगा, यह परमाणु नष्ट हो जाएगा। और जब परमाणु नष्ट हो जाएगा तो निश्चित ही यह परमाणु खत्म हो गया। अगर ऐसा होता तो बीच बीच में से गायब हो जाने चाहिए थे, हमारे हाथ भी परमाणुओं से मिलके बना है, यहाँ से परमाणु गायब हो जाने चाहिए थे। यहाँ के गायब हो गए, पता चला हाथ इतना बचा, इतना हम बचे। बात समझने की प्रयास करो, यह पेन भी परमाणुओं से मिलकर, परमाणु यहाँ के पॉइंट के परमाणु गायब हो गए। ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ सबकी क्षमता। तो यानी यह परमाणु के स्थायित्व की क्या नहीं कर पाए, व्याख्या पहली चीज। दूसरी बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहता है परमाणुओं में कक्षाएं अलग अलग थी, और यह कह रहा है परमाणु की कक्षा सतत है। स्पेक्ट्रम में इनके अनुसार ऐसी कक्षाएं मिलनी चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रम देखा गया तो कक्षाएं क्या थी, अलग अलग थी। इनके अनुसार जो है परमाणु सतत होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लगातार जाएगा, कक्षा का आकार छोटा होता जाएगा, तो इसमें ऐसी रेखाएं मिलनी चाहिए, जबकि हमें इसमें अलग विविध कक्षाएं प्राप्त हो रही थी, अलग अलग कक्षाएं। इसलिए इस मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया। अब बात कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक रेखा का एक स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जबकि अनेक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है रेखाओं की, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए।
और अन्य परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा। जब अन्य में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो वहां तो फिर और जटिलताएं होंगी। अभी सबसे सरल परमाणु की बात कर लें, हाइड्रोजन की, तो उसी का स्पेक्ट्रम व्याख्या नहीं कर पाए तो अन्य जटिल परमाणुओं की तो व्याख्या भूल जाओ। तो इसलिए इस मॉडल को भी क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। आ गई इतनी बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसके बाद अपन नील बोहर का परमाणु मॉडल। नील बोहर ने, नील बोल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल दिया, वो अगले भाग में हम समझेंगे। ठीक है।